नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 25 जनवरी, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के 13 से अधिक जिलों में भूजल की होगी मैपिंग। बीपीएससी एलडीसी परीक्षा की आंसर की आउट, इस तारीख के पहले करे आपत्ति। बिहार में इस साल बनकर तैयार होंगे 620 अस्पताल। बिहार के 13 जिलों में जैविक खेती का विस्तार। तीसरे वनडे मुकाबले में भारत की शानदार जीत। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडियन नेवी की सूचना प्रौद्योगिकी में 70 पदों पर निकली वैकेंसी। भारतीय नौसेना ने एसएससी एग्जीक्यूटिव एंट्री जून 2023 के लिए कुल मिलाकर 70 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस पद के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई, बीटेक अथवा एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवारों के पास 10वीं और 12वीं में अंग्रेजी में कुल न्यूनतम अंक 60% होने चाहिए और सभी विषयों में 60% के साथ क्वालिफाई होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार का जन्म 2 जुलाई 1998 से 1 जनवरी 2004 के बीच में हुआ हो। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 5 फरवरी 2023 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहार के 13 से अधिक जिलों में भूजल की होगी मैपिंग। आईआईटी पटना एवं कानपुर के छात्रों की मदद से आगामी 40 वर्ष को ध्यान में रखते हुए बिहार के 13 से अधिक जिलों में भूजल की मैपिंग की जाएगी। इसमें उन जिलों के वैसे ब्लॉक को चिन्हित किया जाएगा जहां पिछले कुछ वर्षों से भूजल में गिरावट हो रही है। वहीं इनकी रिपोर्ट तैयार होने के बाद राज्य सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव तैयार की जाएगी और उसके बाद जल जीवन हरियाली अभियान से जुड़े सभी विभागों के माध्यम से इन इलाकों में भूजल बढ़ाने का काम शुरू किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सर्वे का काम मार्च से शुरू होगा जो कि मई तक खत्म होगा। जिन जिलों में मैपिंग की शुरुआत होगी उनमें जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा, नवादा, मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर, बांका, जमुई, नालंदा, पटना, दरभंगा जिला शामिल है। यहाँ की रिपोर्ट तैयार किए जाने के बाद अन्य जिलों में भी मैपिंग का काम शुरू किया जाएगा। एयरपोर्ट के विस्तार और नवीनीकरण पर पटना हाई कोर्ट ने की सुनवाई। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल एवं पार्थ सारथी की खंडपीठ के द्वारा जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट के निर्माण, विस्तार एवं नवीनीकरण को लेकर गौरव कुमार सिंह की लोकहित याचिका पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट के द्वारा पटना एयरपोर्ट के निर्माण कार्य के संबंध में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से प्रगति रिपोर्ट तलब की गई। बता दें कि याचिकाकर्ता के द्वारा कोर्ट से पिछली सुनवाई में कहा गया था कि पटना एयरपोर्ट में सुविधाओं की काफी कमी है। रनवे मानदंडों के अनुरूप नहीं होने के कारण हवाई जहाज और उड़ाने में और उतारने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद कोर्ट के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए इस बार की सुनवाई में एयरपोर्ट के डायरेक्टर को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया था। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 6 फरवरी 2023 को की जाएगी। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे विशाल आदित्य सिंह के बारे में। विशाल आदित्य सिंह का जन्म आज ही के दिन 1988 में बिहार के आरा में हुआ था। यह एक भारतीय मॉडल और अभिनेता हैं। उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत 2011 में टेलीविजन धारावाहिक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। इन्होंने टीवी धारावाहिक बेगूसराय में लखन सिंह की भूमिका के साथ प्रसिद्धि प्राप्त की थी। साल 2011 में इन्होंने खतरों के खिलाड़ी में हिस्सा लिया जिसमें वे तीसरे नंबर पर रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2018 में विशाल आदित्य सिंह को टाइम्स ऑफ इंडिया के सबसे चहेते पुरुषों की टेलीविजन सूची में 13वें स्थान पर रखा गया था। साल 2019 में इन्होंने एक बार फिर बाजी मारी और टाइम्स ऑफ इंडिया के सबसे चहेते पुरुषों की टेलीविजन सूची में 17वें स्थान रहे। जुलाई 2019 में सिंह मधुरमा तुली के साथ नृत्य नाटक नचबलिए के 9वें सीजन में एक सेलिब्रिटी प्रतियोगी के रूप में शामिल हुए और सेकेंड रनर अप बने। उन्होंने गेम रियलिटी टीवी शो बिग बॉस के 13वें सीजन में वाइल्ड कार्ड प्रतिभागी के रूप में प्रवेश किया जिन्हें दिन 127 पर निकाल दिया गया था। बिहार के 16 बेटियां अमृत पैक्स प्लस लॉन्च में लेंगी भाग। 11 फरवरी को दिल्ली में आयोजित होने वाली कार्यक्रम अमृत पैक्स प्लस लॉन्च, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा, उसमें बिहार की 16 बेटियां भी भाग लेने वाली है। बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री इन बेटियों से मुलाकात करेंगे। बता दें कि बिहार के इन 16 बेटियों का चयन लॉटरी के माध्यम से हुआ है। दरअसल डाक विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना की लॉन्चिंग के दौरान खुले खातों में देश भर के 121 सुकन्या समृद्धि योजना के खाता धारकों का चयन
चयन लॉटरी से किया गया था, जिसमें बिहार से इन 16 बेटियों का भी चयन किया गया था। मालूम हो कि इन बेटियों और इनके अभिभावक के ठहरने का खर्च भी डाक विभाग के द्वारा दिया जाएगा। बीपीएससी एलडीसी परीक्षा की आंसर की आउट, इस तारीख के पहले कड़े आपत्ति। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बीपीएससी एलडीसी परीक्षा की आंसर की जारी कर दी गई है, यानी कि वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ये परीक्षा दिया है और आंसर की डाउनलोड करना चाहते हैं, वे बिहार पीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं अगर अभ्यर्थियों को आंसर की पर अपनी आपत्ति करना चाहते हैं तो वे 31 जनवरी 2023 के पहले तक ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इस तारीख को शाम 5 बजे तक कैंडिडेट्स अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अगर इसके बाद कैंडिडेट के द्वारा आपत्ति की जाती है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिहार बोर्ड की परीक्षा में एक बेंच पर बैठेंगे इतने परीक्षार्थी। बिहार बोर्ड की इंटर व मैट्रिक परीक्षा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। बता दें कि परीक्षा कक्ष में एक बेंच पर केवल 2 विद्यार्थियों को ही बैठने की अनुमति दी जाएगी। इस दौरान दोनों विद्यार्थियों के बीच पर्याप्त दूरी बनी रहेगी। वहीं अगर किसी परीक्षा केंद्र में बेंच या डेस्क की कमी होती है तो ऐसे में संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी इसकी समुचित व्यवस्था करेंगे। बता दें कि परीक्षा के दौरान प्रत्येक 25 परीक्षार्थी पर एक वीक्षक की नियुक्ति की जाएगी, जो परीक्षा शुरू होने से पहले प्रत्येक दिन 25 परीक्षार्थियों की जांच करेंगे और देखेंगे कि विद्यार्थियों के पास कोई आपत्तिजनक सामग्री है या नहीं। परीक्षा के दौरान सभी विद्यार्थी परीक्षा कक्ष में असेंडिंग ऑर्डर में बैठेंगे। उत्तर भारत में भूकंप के जोरदार झटके। बीते दिन मंगलवार को उत्तर भारत में जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए। बता दें कि बीते दिन दोपहर 2 बजे के बाद दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोगों के द्वारा कुछ सेकंड के लिए झटके महसूस किए गए थे, जिससे लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई और हर ओर दहशत फैल गया। लोग तुरंत अपने घरों से बाहर निकलने लगे और अपने लिए सुरक्षित स्थान ढूंढ वहां रुक गए। मालूम हो कि इससे पहले भी 5 जनवरी को दिल्ली एनसीआर में लोगों के द्वारा भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। डीजीपी संदीप लांडे का अपराधियों के लिए नया फरमान। सहरसा रेंज में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए डीजीपी संदीप लांडे के द्वारा तीनों जिलों में कुख्यात की सूची जारी कर गिरफ्तारी के निर्देश के बाद नया फरमान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने तीनों जिलों सहरसा, मधेपुरा और सुपौल के एसपी को निर्देश दिया है कि अपराधियों के ऊपर नकेल कसा जाए। डीआईजी ने आदेश देते हुए कहा है कि जो भी अपराधी जेल से जमानत पर निकल रहे हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं, उन पर संबंधित थानाध्यक्ष के द्वारा सख्त निगाह रखी जाए और साथ ही उन्हें लगातार पहचान परेड को भी थाना बुला करनी हो, ताकि जेल से निकलने के बाद भी उनकी प्रत्येक गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। सिवान के इस स्तूप को मिलेगा राष्ट्रीय पर्यटन स्थल का दर्जा। जल्दी सिवान के लोगों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। बता दें कि काफी वर्षों से सिवान के तितर स्तूप को राष्ट्रीय पर्यटन का दर्जा देने की मांग चल रही है। इसको लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ साथ सूबे के मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री को आवेदन भी लिखा गया था। इसके अलावा शोधकर्ता व इतिहासकार कृष्ण कुमार सिंह के द्वारा पर्यटन मंत्री और पर्यटन विभाग विकास समिति के सभापति तक को तितर स्तूप का भ्रमण करवाया गया था, जिसके बाद पर्यटन विभाग विकास समिति के सभापति का ध्यान गया और अब इसे राष्ट्रीय पर्यटन स्थल का दर्जा दिलाने की बात कही गई है, जिससे तीतर स्तूप के राष्ट्रीय पर्यटन स्थल घोषित होने का रास्ता साफ हो गया है। अब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी बता देंगे असली नकली आभूषण में अंतर। अब बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी नकली और असली आभूषण में अंतर बता सकेंगे। बता दें कि इसके लिए भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा 31 जिलों में 4-4 और 7 जिलों में 3-3 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्टैंडर्ड क्लब का निर्माण करवाया जा रहा है। इसमें बच्चों को ज्वेलरी की हॉल मार्किंग के साथ ही कीमती धातुओं और उनकी गुणवत्ता पहचानने की ट्रेनिंग दी जाएगी। मालूम हो कि स्टैंडर्ड क्लब के निर्माण के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से डीईओ व डीपीओ को निर्देश जारी कर दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि इसके एक क्लब में 15 बच्चों को शामिल किया जाएगा और साथ ही एक विज्ञान टीचर मेंटर के रूप में होंगे। मेंटर को यह जिम्मेदारी दी जाएगी कि वे एक्टिविटी की रिपोर्ट भेजते रहें। बैंक कर्मी से 12.50 लाख रुपए की लूट। बिहार के शेखपुरा जिले के सदर थाना क्षेत्र में व्यवहार न्यायालय के मुख्य द्वार पर कुछ अपराधियों के द्वारा एक बैंक कर्मी से 12.5 लाख रुपए लूटते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया गया। बता दें कि इस घटना को लेकर पीड़ित को ऑपरेटिव बैंक कर्मी के द्वारा कहा जा रहा है कि वह पैसे लेकर पंजाब नेशनल बैंक में जमा करने जा रहा था। इसी बीच अचानक बाइक सवार अपराधियों ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी और फिर दूसरे बाइक पर सवार अपराधियों ने मेरे हाथ से बैग ले लिए और मुझे पिस्टल दिखा
दिखाते हुए भाग निकले। हालांकि इस घटना को लेकर डीएसपी कल्याण आनंद का कहना है कि अपराधियों को पकड़ने के लिए आसपास के दुकानों के सीसीटीवी को खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिहार में इस साल बनकर तैयार होंगे 620 अस्पताल। जल्द ही बिहार के लोगों को नए अस्पतालों की सौगात मिलने वाली है। बता दें कि राज्य के लोगों को साधारण बीमारी के इलाज के लिए कहीं दूर न जाना पड़े और इलाज की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हर विधानसभा में 5-5 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, 1-1 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और पूरे राज्य में 122 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करवाया जा रहा है। इस दिशा में निर्माण कार्य बिहार चिकित्सा एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के द्वारा शुरू भी कर दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि इसके पहले चरण में राज्य में कुल 620 अस्पताल के भवनों का निर्माण करवाया जाएगा, जिसे पूरा करने का लक्ष्य इस वर्ष तक रखा गया है। बिहार में ठंड का असर हुआ कम। बिहार में अब ठंड का असर धीरे धीरे कम होने लगा है। यहां तक कि अब दिन के साथ साथ रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हालांकि सुबह के समय में अभी सूबे के कई जिलों में कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो उत्तर बिहार में आज का मौसम सामान्य रहने वाला है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में अगले 24 घंटों के दौरान रात्रि के समय में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा अगले 2 दिनों तक राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान पूरे बिहार में उत्तर पश्चिम की तरफ से 6-8 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से बर्फीली हवा बह सकती है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे तेल्हाड़ा यूनिवर्सिटी के बारे में। तेल्हाड़ा यूनिवर्सिटी बिहार में नालंदा जिले के इंकंकड़सराय ब्लॉक के तेल्हाड़ा गांव में स्थित है। तेल्हाड़ा यूनिवर्सिटी एक बौद्ध मठ है जो पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। प्राप्त अवशेषों के आधार पर तेल्हाड़ा यूनिवर्सिटी नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय से भी प्राचीन है। पुरातत्वविदों ने उस ईंट की खोज की है जिसे इस प्राचीन विश्वविद्यालय के नींव के रूप में उपयोग किया गया था। ईंट का परिमाप 42x32x6 सेंटीमीटर है, जिससे शताब्दी के कुषाण काल के प्रभाव का खुलासा होता है। इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि 4वीं शताब्दी के नालंदा और 6वीं शताब्दी के विक्रमशिला विश्वविद्यालय से तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय प्राचीन है। मोतीपुर में जल्द शुरू होंगे इतने करोड़ लीटर का एथेनॉल उत्पादन। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में तैयार हो रहा एथेनॉल प्लांट जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद इसमें करीब सालाना 10 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। इस एथेनॉल प्लांट के बारे में बिहार सरकार के उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक के द्वारा अपने ट्विटर पर कुछ तस्वीरें शेयर की गई है और साथ ही लिखा गया है कि पूर्वी भारत में बिहार अब एथेनॉल को हब बन रहा है। इस साल के अप्रैल तक में मोतीपुर का यह एथेनॉल प्लांट काम करने लगेगा। जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में आधा दर्जन इथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है। वहीं मुजफ्फरपुर में इथेनॉल प्लांट के शुरुआत होने से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल सकेगा, जो कि राज्य के लिए काफी लाभकारी साबित होगा। बिहार के 13 जिलों में जैविक खेती का विस्तार। राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा सके इसके लिए जैविक कॉरिडोर योजना का विस्तार किया गया है। इसके लिए पहले चरण में राज्य के कुल 13 जिलों का चयन किया गया था, जिसे एक बार फिर दूसरे चरण के लिए चयन कर लिया गया है, जिसके बाद इन जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्षों तक यानी कि 2022 से 25 तक लगभग 104.36 करोड़ रुपए 3 किस्त में दिए जाएंगे। फिलहाल पहले वर्ष यानी कि पहली किस्त के राशि जारी कर दिए गए हैं। पहले किस्त के अनुसार इन जिलों के ये कुल 41.9 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रत्येक किसान को एक एकड़ में खेती करने के लिए 11,500 रुपए पहले वर्ष में और फिर दूसरे और तीसरे वर्ष में 6,500 रुपए दिए जाएंगे। मालूम हो कि जिन 13 जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है उनमें भोजपुर, पटना, बक्सर, नालंदा, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर और कटिहार जिला शामिल है। अब घर बैठे जमा करें प्रॉपर्टी टैक्स। अब बिहार के लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए ऑनलाइन सुविधा की शुरुआत की गई है। यह पोर्टल biharbhumi.bihar.gov.in है। अब आप घर बैठे ही इस पोर्टल की मदद से अपना प्रॉपर्टी टैक्स आसानी से भर सकेंगे। बता दें कि बिहार के भू राजस्व विभाग के द्वारा यह पोर्टल सिर्फ टैक्स भरने के लिए निर्माण नहीं किया गया है, बल्कि इस पोर्टल की मदद से नागरिकों को जमीन से जुड़ी सभी जानकारी भी पहुंचाई जा सकेगी, जिसमें नागरिक को सभी जमीनों का रिकॉर्ड और टैक्स संबंधी जानकारियां मिलेंगी।
कुशवाहा के बीजेपी में जाने की अटकलों पर नीतीश कुमार का जवाब। इन दिनों ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू का हाथ छोड़ बीजेपी का हाथ पकड़ सकते हैं। वहीं अब चल रही इन अटकलों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अपना पल्ला झाड़ लिया गया है। मुख्यमंत्री से जब मीडिया के द्वारा इससे जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया है कि ये हमसे मत पूछिए। कुशवाहा जी के मन में जो आता है वे बोलते रहते हैं। उनके द्वारा दिए गए किसी भी बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पार्टी का कोई भी नेता उन पर कुछ भी नहीं बोलेगा। हालांकि इससे पहले भी नीतीश कुमार के द्वारा कहा गया था कि वे उपेंद्र कुशवाहा से इस बारे में बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या समस्या है। आरसीपी सिंह वर्सेस सीएम नीतीश पर। बीते दिन मंगलवार को कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि आखिर बिहार को हो क्या गया है। मुख्यमंत्री को सबसे पहले अपने मंत्रियों को बुलाकर देश का संविधान, सनातन धर्म, परंपरा, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। ये लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के मंत्री किसी भी तरह का बयान दे देते हैं। आखिर रामचरितमानस भी क्या कोई टिप्पणी देने का विषय है? अगर इस पर कोई मंत्री बयान देंगे तो वह हंसने के पात्र ही बनेंगे ना। हम लोग जिस चंद्रशेखर को जानते थे वे देश के लिए कुर्बान थे, और एक ये चंद्रशेखर है जो अपने बयान से समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। जीतनराम मांझी का उपेंद्र कुशवाहा को करारा जवाब। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी के द्वारा जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा नीतीश कुमार को कमजोर बताने को लेकर करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जो नीतीश कुमार को कमजोर करेगा वो खुद कमजोर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोई कमजोर नहीं कह सकता है। मैं नीतीश कुमार के साथ हूँ, वो जिधर जाएंगे मैं उनके साथ रहूंगा। मांझी ने कहा कि किसी के साथ मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं। बीजेपी के साथ की है तो वह नीतीश कुमार ही बता सकते हैं। उन्होंने कहा नीतीश कुमार का राजद के साथ कोई डील नहीं हुई है। उपेंद्र कुशवाहा क्या बोल रहे हैं वह वही जानते हैं। नीतीश कुमार लगातार 17 वर्षों से बिहार की सेवा कर रहे हैं। नीतीश कुमार आंधी तूफान को झेलने में सक्षम है। मांझी ने कहा कि 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। तीसरे वनडे मुकाबले में भारत की शानदार जीत। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने 385 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला न्यूजीलैंड की टीम के लिए कारगर नहीं रहा। भारत के सलामी बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शतकीय पारी खेली। रोहित शर्मा ने 85 गेंद में 101 रन बनाए तो वहीं शुभमन गिल ने 78 गेंद में 112 रन की शानदार पारी खेली। वहीं हार्दिक पांड्या ने 38 गेंद में 54 रन की पारी खेली, जिसके बदौलत भारत की टीम एक विशाल स्कोर बना पाई। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम शुरुआती झटकों से नहीं उबर पाई और पूरी टीम लक्ष्य प्राप्त करने से पहले ही ढेर हो गई। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। भारतीय ब्रह्म समाज की शुरुआत प्रसिद्ध समाज सुधारक केशव चंद्र सेन ने 1880 में की। सन 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य घोषित किया गया। शेख मुजीबुर रहमान 1975 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने। 3 साल के अंतराल के बाद 1980 में पद्म विभूषण, भारत रत्न आदि नागरिक सम्मान दोबारा प्रदान किए जाने लगे। प्रसिद्ध समाज सेवी मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आचार्य विनोबा भावे को 1983 में मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। राम सेवक शंकर ने 1988 में सूरी नाम के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। 2002 में भारतीय वायुसेना के पहले एयर मार्शल अर्जुन सिंह बने। महाराष्ट्र के सातारा स्थित एक देवी के मंदिर में 2005 में भगदड़ मचने से 300 से अधिक मरे। केंद्र सरकार ने 2009 में पद्म भूषण व पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा की। आज ही के दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बायलखंड में आज हम बात करेंगे मुफ्त लैपटॉप की पेशकश के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मुफ्त लैपटॉप की पेशकश के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि सोशल मीडिया पर एक लिंक के साथ एक संदेश प्रसारित हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि युवाओं के लिए मुफ्त लैपटॉप की पेशकश की जा रही है और इसे बुक करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें और व्यक्तिगत विवरण मांगा जा रहा है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि प्रसारित लिंक और संदेश नकली है, व्यक्तिगत जानकारी साझा करते समय सतर्क रहें।
इस साइट से अपने फोटो का बैकग्राउंड बदलकर उसे बनाएं शानदार। अगर आप भी अपने फोटो के बैकग्राउंड को बदलकर अपनी फोटो को शानदार बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिसके लिए आपको किसी ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ऑनलाइन टूल का इस्तेमाल करके भी आप अपनी फोटो के बैकग्राउंड को सुंदर बना सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले अपने फोन में क्रोम ब्राउजर के सर्च बार में remove.bg लिखे। इस वेबसाइट के ओपन होने के बाद आपको अपलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन पर क्लिक कर फोटो को अपलोड करें। कुछ सेकंड बाद ही आपकी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। वेबसाइट पर नीचे आपको डाउनलोड और एडिट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें। अब आपकी इमेज फाइल PNG फॉर्मेट में सेव होगी। अगर आप फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आपको एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे। आप तस्वीर के बैकग्राउंड में इस वेबसाइट में पहले से मौजूद कुछ फोटो लगा सकते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुसरत बनू, अजीमा फिरदौस, जीवनाथ मंडल, रंजीत मिश्रा, सदुल्लाह पलवी, दीपक कुमार, अनमोल कुमार, रविन्द्र कुमार, अंबिका कर्ण, उमेश श्रीदेव, कुश कुमार यादव, शंकर मुखिया, नेहा कुमारी, महमूद अंसारी, मनोज दास। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए वनडे सीरीज में आपके अनुसार किस भारतीय खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।